तो बहराइच में वन विभाग की टीम को आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 5 भेड़िए जो हैं अब तक कैद कर लिए गए हैं और हमारे संवाददाता समर्थ हमसे इस वक्त जुड़ रहे हैं। समर्थ जो हैं इस खबर पर शुरुआत से बने हुए, इस ऑपरेशन से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। समर्थ, आपने डे वन से जो है इस खबर को कवर किया है, आपने एक एक तस्वीर बहराइच से हमें दिखाई है, तो इस वक्त क्या माहौल है? 5 भेड़िए जो है अब तक पकड़ लिए गए हैं और अब 6ठा भेड़िया जो है उसकी तलाश है, तो ये कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज भी है क्योंकि 5 जो है वो पकड़े जा चुके हैं। देखिए, पिछले 10 से 12 दिन से वन विभाग को खास सफलता हाथ नहीं लग रही थी। ऐसे में एक टेंशन ये भी था कि आखिर भेड़े कहाँ गए और फिर वो कहाँ किसका हमला बनाएंगे, किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता था। लेकिन बड़ी बात उससे बड़ी ये है कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से DFO बता रहे हैं ड्रोन का सहायता लिया गया है, लेकिन जिस तरह से पगमार्क्स को देखते हुए कैप्चर किया गया है वो एक बड़ी बात है। ये पुरानी टेक्निक है, पहले वन विभाग के अधिकारी इस तरह पगमार्क्स के जरिए ही भेड़ियों को पकड़ते थे, आतंकवादियों को पकड़ते थे। जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो पगमार्क्स के जरिए पूरी घटना को इस कैप्चर किया गया और गांव वालों की सहायता से सुबह लगभग 5:30 से 6:30 के बीच में ये ऑपरेशन चला है और 6:30-7 बजे करीब भेड़ियों को फॉरेस्ट की टीम ने पकड़ा है। जिसके बाद स्पॉट पर जाकर हमने दिखाई तस्वीरें कि किस तरह से पिंजड़े में भेड़ियों को कैप्चर किया गया था। एक जगह जहां ऑपरेशन होता है वहां यूजुअली मीडिया अलाउड नहीं होता, तो वहां से वो भेड़िया को पकड़ के लाते हैं और पकड़ते हैं। बड़ा हेल्दी भेड़िया लग भी देखने में तो ऐसा है, जो कि रेणु सिंह है CFO है, उन्होंने साफ कहा है कि ये भी आतंकखोर भेड़िया है और जो रिमेनिंग वन है, जो बचा हुआ एक है, वो भी काफी हेल्दी है। पर उनको उम्मीद ये है कि क्योंकि एक वो पैक में चलते हैं जो भेड़िए होते हैं, अब इनका पैक पूरी तरीके से टूट चुका है, पहले 4 का बचे 2 का टूट, ऐसे में आखिरी भेड़िया को पकड़ने को मशक्कत वन विभाग को नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा वन विभाग मानता है और उम्मीद जता रहा है आज से कल में बचा हुआ एक भेड़िया है उसको भी वन विभाग पकड़ लेगा। जी समर्थ, क्योंकि आप लगातार इस खबर पे बने हुए हैं, तो क्या 6 ही भेड़िए हैं? क्या आपको लगता है कि 6 ही भेड़िए होंगे? क्योंकि जिस हिसाब से ये झुंड में जिस हिसाब से हमला कर रहे हैं, लगातार लोगों पे हमले हो रहे हैं, 10 की अब तक जान जा चुकी है और 30 लोग जो है अभी तक जख्मी हो चुके हैं और आज जो भेड़िया पकड़ा गया है इसने बकरी पर भी हमला किया, तो क्या ये 6 ही भेड़िए हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? कई थ्योरीज है इसके पीछे। गांव वालों के मुताबिक अभी 3 भेड़िए थे, यानी कि उन्होंने आखिरी बार जब 2 भेड़िए की कहानी चल रही थी तो गांव वालों ने 3 भेड़िए देखे। अगर उस तरह सोचा जाए तो फिर अगर अब फिर एक भेड़िया पकड़ा गया 2 अभी और ही बचे हैं। लेकिन अगर वन विभाग के ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने, ऑफिशियल नंबर्स की माने, तो वन विभाग ये कहते केवल एक भेड़िया और रह गया है, तो ये जरूर चर्चा करें। हालांकि जब एक भेड़िया पाल दिया जाएगा तो शायद जो गवर्नमेंट ऑपरेशन होगा उसके बाद ये पाया जाएगा कि क्या एक और भेड़िया है जो पेंडिंग है। और उससे बड़ी बात है, भेड़िए हैं क्या वो मैनिटर्स हैं, वो आदमखोर हैं, ये पता लगाना भी शायद वन विभाग के लिए उतना ही जरूरी होने वाला है। जी समर्थ, जिन भेड़ियों को कैद किया गया है तो इस वन विभाग क्या करने वाला है? क्या वो इन भेड़ियों को छोड़ देगा? क्योंकि जो खबरें थी कि जैसे ही आप इन आदमखोर भेड़ियों को देखे आप इन्हें शूट कर दें, तो क्या आप जो भेड़िए कैद हुए हैं इनको लेकर क्या उनके आगे के प्लान्स हैं, क्या करने वाले हैं? नहीं, उनको उनको तो क्लियरली बताया रेणु सिंह ने आज इंटरव्यू में कि वो सू जाएंगे। अगर जिंदा पकड़ लिया है तो शूट करने की बात नहीं आती है। शूट करने की बात तब आती है जब पूरी कोशिश वन विभाग करे, अपने रूल बुक को फॉलो करे, ट्रैंकुलाइज करे और उसके बाद भी भेड़िया काबू में ना आए, उसके बाद स्टूडेंट साइड का ऑर्डर दिया गया। लेकिन कोई जरूरत वन विभाग को पड़ी नहीं। और वन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं वन्य जीवों से प्रेरित होते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान ले। ऐसे में उनकी भी कोशिश होती है कि जानवर कितना भी आराम हो उसको जिंदा ही पकड़ा जाए, और वही कोशिश आज भी थी। चाहते तो उसको मार भी सकते थे लेकिन उसको जिंदा पकड़ा गया है। अब यहाँ से उसको किसी जू में शिफ्ट किया जाएगा जहाँ ये अपना जिंदगी बची हुई जिंदगी है वहां काटेगा, कम से कम आदमखोर नहीं रहेगा। जो इनका खाना है, फ्लैश है, जो चीजें वो सब इनको दूर प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन यहाँ मसला ये हो रहा था कि इंसानों को टारगेट कर रहा था और इसीलिए की शुरुआत हुई थी।